हेलो एवरीबॉडी। सो अभी अभी जियो से एक नया न्यूज़ अपडेट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है हम लोग जो रिचार्ज करते थे उसके अतिरिक्त अब हमें एक अलग से भी रिचार्ज करवाना होगा जो कि मिनिमम 10 रुपीज़ का होगा। अभी रिचार्ज क्यों करवाना होगा? बेसिकली हम अगर किसी दूसरे ऑपरेटर पर कॉल करते हैं, लेट्स सपोज हम किसी आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन यानी कि नॉन जियो यूजर्स को कॉल करते हैं, तो हमें जो है अलग से उसका रेट कटेगा जो कि हमारे प्लान में इंक्लूड नहीं होगा। पहले ये हमारे प्लान में इंक्लूड था, किसी भी ऑपरेटर में कॉल करें वो एब्सोल्युटली फ्री था, जितना मन उतना कॉल कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे हमें जो है इसके लिए चार्जेस देने होंगे। अब जियो ने कहा है कि इसका जो मिनिमम टॉपअप है वो आप हमने रखा है 10 रुपीज़ का, उस 10 रुपये का आप टॉपअप कीजिए और उसके बाद जो है आप किसी भी नॉन जियो यूजर्स को कॉल कर सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं। अब ये अचानक से ये बदलाव क्यों आया है, इसका भी रीज़न दिया है जियो ने। तो एक टर्म है IUC यानी कि इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक जो यूजर है, जो ऑपरेटर है, वो दूसरे ऑपरेटर को एक मिनिमम बैलेंस पे करता है। कोई ऑपरेटर का जो यूजर है वो दूसरे ऑपरेटर पर आउटगोइंग कॉल करता है। लेट सपोज मैं एक जियो यूजर हूँ और मैं किसी वोडाफोन यूजर को कॉल करता हूँ, मैंने जितना भी बात किया उस हिसाब से जियो को जो है वोडाफोन के ऑपरेटर को 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से उन्हें कॉल रेट देना होता है इस IUC के अंतर्गत। अब इससे पहले जो है ट्राई ने इसे 2 साल पहले कहा था कि हम 2020 तक जो है शुरुआत में, 2020 के शुरुआत में ही इसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, मतलब कोई भी जो है ये जो IUC चार्ज होगा वो आप कोई भी ऑपरेटर के दूसरे ऑपरेटर को नहीं देगा। लेकिन अब जो है ट्राई अपने जो डिसीजन लिया था उस पर कह रहा है कि हम फिर से सोच विचार करेंगे कि इसे एलिमिनेट किया जाए या नहीं किया जाए। तो जियो कह रहा है कि हम पिछले 3 साल से करीब 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का IUC चार्ज दूसरे ऑपरेटर को हम दे चुके हैं और हम आगे इसे नहीं दे सकते हैं। तो अब जो ये चार्जेस होगा ये यूजर्स को ही देना होगा। तो अगर पहले आप 399 का रिचार्ज करते थे तो आपको उसके अलावा 10 रुपये का एक अलग से टॉपअप भी करवाना होगा अगर आप किसी नॉन जियो यूजर्स को कॉल करना चाहते हैं। तो अब जियो ने कहा है कि इस जो चार्जेस लग रहे हैं 10 रुपीज़ का अलग से, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम जो है यूजर्स को 1 GB का डेटा भी देंगे। मतलब जो 10 रुपये का आप रिचार्ज करवाएंगे उसके साथ आपको एक 1 GB का डेटा भी मिलेगा उस 10 रुपये को अगर आप ख़त्म कर देते हैं। तो अब इसके बदले में जो है जियो ने कुछ उपाय भी बताया है कि इसके बदले क्या हो सकता है। आप अगर हो सके तो दूसरे जो नॉन जियो यूजर्स को है उसे कन्विंस करें कि आप जो है जियो पर पोर्ट हो लो, जिससे जो है आपका जो कोई भी कॉस्ट जो होगा जियो से जियो वो फ्री होगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। दूसरा उपाय है कि आप जो है व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी अगर आप कॉल करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, वो इंटरनेट कॉल होता है तो उसमें भी आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऑपरेटर से यानी कि जियो यूजर है और दूसरे ऑपरेटर को डायरेक्ट कॉल करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह जो जिसको भी, तो फिर आपको ये चार्जेस आप लगेंगे। और ये जो चार्जेस है वो 10 अक्टूबर मतलब कि कल से ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कल से बाद जो भी कोई रिचार्ज करवाएगा वो उनको जो है 10 रुपये का एक अलग से रिचार्ज भी करवाना होगा नॉन जियो यूजर्स को कॉल करने के लिए। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जियो की तरफ से।